देशवासीको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बड उपहार 18 रु ऊर्ध्व वयस्थर नागरिकको मिलिबा मागणा टीका एने घोषणा करिसेंति प्रधानमन्त्री। जून 21 अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 18 वर्ष रु अधिक समस्तंको मिलिबा मागणा वैक्सीन। राज्यर 25% दायित्व भी नेले केन्द्र सरकार। एबे केन्द्र देबा वैक्सीन लोकंको टीका देबार दायित्व राज्यर। देशरे चालिथिबा विश्वर सर्वबृहत टीकाकरण कार्यक्रमको अधिक व्यापक करिसेंति मोदी सरकार। एही बड़ा घोषणा करी टीकाकरण समस्त दायित्व नहींचंती मोदी सरकार। पूर्वरु 50% केन्द्र सरकार, 25% राज्य और 25% घरोई सेक्टर हाथ में रही थिला। एबे 75% अंश केन्द्र सरकार का हाथ में रहिबो। राज्य सरकार गुड़ी को वैक्सीन पाई टंकाटिए भी खर्च करने को पड़ा ना। जून 21 रु 18 वर्ष रु अधिक समस्त नागरिकों को मागणा टीका नहीं मध्य घोषणा करिसेंति प्रधानमंत्री। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। केवल स्थिति के नुहे नवंबर पर्यंत बढ़िला प्रधानमंत्री अन्न योजना। 80 कोटी लोगों को मिली मागणा राशन। प्रधानमंत्री अन्न योजना को दीपावली पर्यंत बढ़ाई मोदी सरकार। देशर गोटे परिवार जपरी भोकिला न रहे ताऊपर गुरुत्व देइछंती खोद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है। इस प्रयास का मकसद यही है कि मेरे किसी भी गरीब भाई बहन को, उसके परिवार को भूखा सोना ना पड़े। देश में वर्तमान 23 कोटी लोगों को टीका दिया सरी। एथसह देश में वर्तमान छोटो पिलांको पाई 2टी वैक्सीन रो ट्रायल जारी रही सूचना देखते प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का एक घोषणा परे सबु महल रे खेली जाई छी खुशी रो लहरी। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।